हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। चेतनाज किचन में एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। तो मैं आज आपके लिए बिल्कुल नई रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे मटन करी की ये रेसिपी, बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे बिना कोई झंझट के, और बहुत ही आसान तरीका है। तो आप हमारे वीडियो को लगातार पूरे वीडियो को देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब। तो ये देखिए, मैंने ये 1 kg मटन लिया है, बिल्कुल फ्रेश मटन है ये मटन। हम जब भी बनाएं हमें मटन फ्रेश ही लेना है। ये मैंने 5 से 6 प्याज जिनको मैंने कट कर लिया है, ये 2 बड़े साइज़ के टमाटर जिसको मैंने कट करके रख लिया है, ये मैंने 6 से 7 हरी मिर्ची जिसको मैंने कट कर लिया है, छोटे वाली हरी मिर्ची हैं, ये लहसुन की कलियाँ, लहसुन हमें थोड़ी ज़्यादा मात्रा में लेना चाहिए, ये नमक लिया है, और ये मैंने 3 छोटे चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है मैंने ये, और 1 छोटी चम्मच गरम मसाला जो अपना मटन मसाला था वो है, 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच मैंने ये हल्दी पाउडर लिया है। तो चलिए मटन बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये कुकर लिया है, तो बिल्कुल देसी टाइप से बनाएंगे बिना कोई कुछ अटर बटर डाले। बिल्कुल हमारे घर में जो चीज़ें हर टाइम अवेलेबल रहती है, हम उसी चीज़ों से मटन बनाएंगे, और बिल्कुल आसान विधि है। और अगर ऐसे मटन बना के खाओगे तो अपनी सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छा लाभदायक होगा। तो ये देखिए, मैंने कुकर के अंदर 2 बड़े चम्मच सरसों का ऑयल डाल दिया है। मटन हमेशा सरसों के ऑयल में ही टेस्टी बनता है। ऑयल गर्म होने के बाद मैंने इसके अंदर डाल दिया है जीरा, और जीरे को थोड़ा सा हल्का ब्राउन होने देते हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर जीरा ब्राउन होने के बाद हमने इसके अंदर डाल दिया है प्याज, कटा हुआ प्याज। मैंने आज इसके अंदर खड़े मसाले नहीं यूज़ में लिए हैं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मटन बनाने का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको पसंद हो खड़े मसाले, किसी को नहीं पसंद होते हैं, तो ये देखिए ऐसे भी हमारा मटन बहुत टेस्टी बनेगा अगर आप इस तरीके से मटन बनाओगे। तो ये देखिए, प्याज को हमें बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है। एक बात और बताना चाहती हूँ, जब भी मटन बनाओ तो प्याज की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, प्याज से मटन का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, तो आप इसमें कंजूसी ना करें, प्याज फुल डालें। तो ये देखिए, हमने प्याज को बिल्कुल अच्छे से फ्राई करना है बिल्कुल। तो ये देखिए, प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, खुशबू आने लग गई है प्याज के अंदर। अब हम इसके अंदर डाल देंगे हरी मिर्ची। हरी मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कम या ज़्यादा। हरी मिर्ची और लाल मिर्ची की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कर सकते हो कि कम, किसी को कम पसंद होती है, किसी को ज़्यादा पसंद होती है। तो ये देखिए, जब तक हमारे प्याज और हरी मिर्ची बिल्कुल अच्छे से फ्राई होते हैं, तब तक हमने जो मसाले लिए थे, स्पाइसेस, सूखे मसाले लिए थे, उनका हम एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैं इनकी क्वांटिटी पहले बता चुकी हूँ आपको सूखे मसालों की, और वैसे रेड चिल्ली पाउडर आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, और नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको एक सा ही पसंद हो, किसी को कम पसंद है, किसी को ज़्यादा। तो ये देखिए, हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देंगे और इसका एक अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से मटन करी बनाओगे तो बहुत टेस्टी मटन बनेगा इससे। इससे क्या है कि हमारी जो ग्रेवी है मटन की, वो बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। तो ये देखिए, इधर हमारे प्याज और हरी मिर्ची बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने सूखे मसालों का जो पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। ये देखिए, पेस्ट हमने डाल दिया है इसके अंदर, और अब हम इस बर्तन को थोड़ा सा धो के, क्योंकि इसमें रह गए ना मसाले हमारे, तो वो डाल देंगे पानी, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के, और ताकि जो मसाला है चिपका हुआ बर्तन के, वो भी हम इसके अंदर ऐड हो जाए। तो ये देखिए, हमने सभी मसाले डाल दिए हैं, इसको कर देना बिल्कुल अच्छे से मिक्स। गैस का फ्लेम हाई कर देना है, क्योंकि हाई फ्लेम पे फटाफट पक जाएगा मसाला। पकने की तो मतलब कि कुकर के चिपकने की तो कोई बात है नहीं। तो ये देखिए, हमने बिल्कुल गैस का फ्लेम हाई कर दिया है, और हमें इसको बिल्कुल अच्छे से पकाना है मसाले को। मसाले को पकाना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये देखिए, हमारे मसाले में बिल्कुल उबाल आने लग गया है और मसाला पक रहा है, बिल्कुल पका नहीं है अभी तक। तो चलिए, जब तक हमारा मसाला पकता है तब तक हम मटन ही धो लेते हैं। तो ये देखिए, मटन को हमें धोना है, बिल्कुल अच्छे से धोना है मटन को। इस बात का भी आप ज़रूर ध्यान रखें, मटन को धोना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें बहुत से बाल वगैरह छिपे रहते हैं जो
हमारे गले में भी फंस सकते हैं और वैसे हमारे सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती है, तो इसलिए इसको धोना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए हमने मटन को अच्छे से धो लिया है और अलग बर्तन में निकाल लिया है। ये देखिए एक एक पीसेस को हमने धोया है, फिर हमने उसको अलग बर्तन में निकाल लिया। इधर हमारा मसाला आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल अच्छे से पक के रेडी हो गया है। ऑयल आप देख पा रहे होंगे, ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है, मतलब कि मसाला बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर डालेंगे टमाटर और टमाटर को भी बिल्कुल अच्छे से कर देंगे मिक्स, अच्छे से पका लेंगे टमाटर को भी, गल जाए टमाटर, इसका टेस्ट अब पूरी ग्रेवी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये देखिए टमाटर भी हमारा गल चुका है, गैस का फ्लेम हमने हाई रख रखा है। तो मेरे वीडियो को आज मैंने कोई स्किप नहीं किया है, वीडियो को मैं पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तब भी मैं मटन की कोई रेसिपी लेके आती हूँ तो मैं पूरा वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है और आपका सपोर्ट भी मिलता है, इसलिए मैं ज़्यादा प्रोत्साहित होती हूँ। और इसके लिए आप इसी तरह आप मेरा साथ बनाए रखें और मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेके आऊँगी। तो ये देखिए हमने मसाला पकने के बाद हमने इसके अंदर मटन डाल दिया है। मटन बिल्कुल क्लीन है, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल साफ़ मटन है हमारा। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए मिक्स करना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, मिक्स हमें कई देर तक करना है, ऐसे ही नहीं 1-2 मिनट किया और चलो बस, ऐसे नहीं करना है हमें मटन को मिक्स। मटन को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करना है हमें, ताकि जो मसाला है ना वो मटन के पीसेस के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए, चला जाए, ऑब्जर्व कर ले मटन के पीस मसाले को। तो ये देखिए हमने बिल्कुल चम्मच से इसको लगभग हाई फ्लेम पर ही और 5 मिनट तक मटन को ऐसे ही मिक्स करते जाना है, बीच में छोड़ना नहीं है। तो ये देखिए हमने मिक्स कर लिया है, आप देख पा रहे होंगे जो पीसेस हैं मटन के बिल्कुल मसाले में ऐसे अच्छे से लिपट गए हैं। तो ये हमारा जो मसाला और मटन है बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। और ये देखिए हमने 5 मिनट तक इसको पकाया है हाई फ्लेम पर, आप देख पा रहे होंगे पीसेस भी थोड़े से टाइट से हो गए हैं, तो इसका मतलब हमारा जो मसाला और मटन है बिल्कुल अच्छे से घुल मिल गए हैं। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो हमने लहसुन का पेस्ट बनाया था वो डाल देंगे। तो ये देखिए लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। लगभग 5 से 5 से 6 मिनट तक पकाने के बाद में हमने इसके अंदर लहसुन का पेस्ट डाला है और इसको भी करना है अच्छे से मिक्स। कई बार कई लोग क्या है कि लास्ट में लहसुन डालते हैं, तो ये सही नहीं है, क्योंकि लहसुन हमें बीच में ही डालना चाहिए, ताकि जो लहसुन का टेस्ट होता है वो पूरी पूरे मटन के पीसेस के अंदर तक जा सके, ये बात हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। तो लहसुन का पेस्ट हमने 5 से 6 मिनट के बाद में ऐड कर दिया है। अभी तो मटन पकना बहुत बाकी है, बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा मटन ऐसे ही नहीं पक जाता है, टाइम लगता है मटन को पकने में। और कुकर में बना रहे हैं तो वैसे तो ये जल्दी ही पक जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये मैंने इसके अंदर लगभग 2 गिलास पानी डाला है, वैसे आधा लीटर पानी है ये, और इसको कर देना है अच्छे से मिक्स। तो ये देखिए हमने पानी को, मटन को और मसाले को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया है हमने, पानी हमें इतना ही रखना है, ज़्यादा नहीं करना, वरना मटन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल अच्छे तरीके से हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देते हैं और मैंने इसके लगभग 5 सीटी लगवाई है, 5 सीटी हमें लगवानी है इसके, 5 सीटी के बाद में ही हमारा मटन रेडी होगा। और वैसे ज़रूरी नहीं है कि 5 सीटी में ही रेडी हो, बट मैंने यहाँ पे जो मटन करी बनाई है वो 5 सीटी में रेडी हो जाएगी। और वैसे आप चेक कर ले, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 5 सिटी में ही सबका हो, किसी का पहले भी हो जाता है, बाद में भी हो जाता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चेक कर लेंगे मटन को। तो ये देखिए मैंने 5 सिटी लगवाई है इसके और मैं कुकर का ढक्कन ओपन कर देती हूँ और देख लेते हैं हमारी जो करी है मटन की वो बहुत ही लाजवाब बनी है, बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि हम मटन को चपाती के साथ खाते हैं तो इतनी करी तो इसके अंदर होनी चाहिए। और ये हमारा मटन है वो भी हो चुका है रेडी, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल, मैंने इसके पीसेस को चेक कर लिया है, तो बिल्कुल रेडी हो चुका है हमारा मटन 5 सिटी में।
तो ये मैं इसके अंदर डाल दूंगी। मटन मसाला आता है अपना गरम मसाला, वो डाल दूंगी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है मटन के अंदर। और ये मैंने कुछ हरे धनिया की पत्तियाँ ली हैं, वो डाल देते हैं। हरे धनिया की पत्तियाँ आप क्वांटिटी में ज़्यादा भी ले सकते हो, इससे क्या है बहुत अच्छा ही बनेगा मटन, बहुत अच्छा टेस्ट आता है और फ्लेवर भी, दोनों चीज़ें बहुत अच्छी आती हैं। बट मैंने यहाँ पे आधा हरा धनिया अब डाला है, आधा मैंने गार्निश के लिए रख लिया है। तो ये देखिए मैं इसको अलग बर्तन में निकाल देती हूँ और सर्व कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी मटन बन के रेडी हुआ है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, बिल्कुल जैसे हम होटलों में ढाबों में खाते हैं बिल्कुल वैसा मटन बन के रेडी हुआ है। बहुत ही शानदार है, खुशबू भी बहुत ही मस्त आ रही है इसके अंदर। तो ये देखिए हमारी जो मटन करी है वो बन के रेडी हो गई है, बहुत ही अच्छी मटन करी बन के रेडी हुई है। ये देखिए आप देख पा रहे होंगे कितनी शानदार मटन करी बन के रेडी हुई है। तो ये देखिए बिल्कुल फटाफट बन जाती है, कुकर के अंदर टाइम नहीं लगता। वैसे मैंने आपके साथ चूल्हे के ऊपर भी शेयर की है कई रेसिपी। तो ये देखिए हम थोड़ा सा गार्निश के लिए ऊपर से हरा धनिया और डाल देते हैं, इससे क्या है बहुत अच्छा टेस्ट भी आता है और वैसे मटन हमारा दिखने में भी सुंदर लगता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो ये हमारी मटन करी है वो बन के रेडी हो गई है, बिल्कुल फटाफट तरीके से बन जाती है मटन करी कुकर के अंदर। ये मैंने 5 सीटी में बनाई है और वैसे 5 सीटी में बन ही जाती है मटन करी, बट आप इसको चेक कर सकते हो भी इसके अंदर एक पीसेस का निकाल के और उसको चम्मच की सहायता से या फिर खा के भी टेस्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसे हमें पता चल जाएगा अगर थोड़ी बहुत कमी रह जाती है तो आप उसे वापस से पका लें, या तो 1 सीटी और लगवा लें या फिर उसे खुले में रख के पका लें कोई प्लेट वेट लगा के ऊपर। तो ये देखिए हमारी मटन करी की रेसिपी कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही शानदार मटन करी बन के रेडी हुआ है, ना ऑयल ज़्यादा है, बिल्कुल परफेक्ट मटन करी बन के रेडी हुआ है हमारा। तो मैंने वैसे भी आपके साथ बहुत ज़्यादा रेसिपी शेयर की है मटन की, चूल्हे के ऊपर भी की है। तो आपका साथ मेरे साथ ऐसे ही बना रहे, प्लीज़ आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरी ये रेसिपीज़ आपको कैसी लगती हैं। मैंने अपने चैनल पे हर चीज़ की रेसिपीज़ डाल रखी हैं, सभी चीज़ों की डालती हूँ। तो आप मेरी रेसिपी को देखें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगती है। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए मेरे चैनल को, ताकि वो भी मेरी रेसिपी देख सकें। और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कीजिए और उसके साथ ही उसके पास बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको ज़रूर प्रेस करना, जिससे मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूँगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी। तो ये देखिए हमारी मटन करी की रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हुई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक बार फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।